वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनुपमा, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइस अब भी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ प्रसाद, क्योंकि आज हमारे घर में है सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो मैंने पंजीरी बना लिया है, इसमें बस मिक्स करना है, इसको फ्राई कर लिया है देख सकते हो। और यहाँ पर पंचामृत के लिए देख सकते हैं, इसको भी रख लिया है। अब भी पूरा इसका प्रोसीजर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैं मॉर्निंग के 4:30 बजे उठी थी, तो सब हो रहा है। चलिए लियारा भी सो रही हैं और मेरा तबीयत बहुत सही है पहले के पीछे। अभी यहाँ पे इसको रखते हैं, यहाँ पर सब देखेगा क्योंकि ट्राइपॉड मेरा है अंदर, मेरा सो रही है, लाइट भी बंद है, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ज़्यादा उठ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करती हूँ पंचामृत। तो ये मेरा 1/2 kg दूध है, काऊ मिल्क। तो इसको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, अब तो ये ठंडा हो गया है और इसको मैं ठंडा कर दिया है, क्योंकि बॉयल इसलिए किया था कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा मैंने इसको बॉयल किया था और अब ये ठंडा हो चुका है। तो इसमें मिक्स करेंगे इसके अंदर से दही, फिर उसके बाद मैंने उसको भी फ्राई कर लिया है पंजीरी को। तो आपको फ्रेश दही लेना है, तो ये है फ्रेश दही। तो इसको मैं अंदर से थोड़ा इसमें गाढ़ा ही मिक्स कर दूंगी, नहीं तो खट्टा करोगे ना तो ख़राब हो जाता है। तो इसमें मैंने दही मिक्स कर दिया है अंदर से, और इसमें शुगर, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब शुगर करूँगी। सबसे पहले इसको कर दूँगी, डाल दूँगी 2 से 2.5 चम्मच। तो 1/2 kg थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, तो इसलिए 4 ले लेते हैं इसको। इसको मिक्स करेंगे, वैसे तो ये कच्चा दूध में ही बनता है, लेकिन कोरोना की वजह से मैं थोड़ा सा इसको बॉयल किया है हल्का, और इसको फ्रिज में रख दिया था तो ठंडा हो गया है। और इसमें फिर मिक्स करेंगे हनी, तो 1 चम्मच हो गया, 1 चम्मच और मिक्स करेंगे, 2 चम्मच अच्छे हम जा रहे हैं। इसमें हनी मिक्स कर दिया और इसमें मैं घी डालूंगी, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जम जा रहा है ठंडे की वजह से। इसमें घी ऐड करूंगी, इसको मैंने मेल्ट कर दिया है क्योंकि बहुत तो घी ज़्यादा होता है, तो इसमें 2 चम्मच घी डाल दें। ये हमारा बन गया पंचामृत, और ये देखो घी डालने से कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना, जो देखिए ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है वहाँ जो देखने का था। तो मैंने बताया कि क्या क्या मैंने ऐड किया है, उसके बाद इसमें डालेंगे तुलसी के पत्ता, क्योंकि प्रसाद के लिए मैं बना रही हूँ, तो तुलसी पत्ता तो बहुत ज़रूरी होता है प्रसाद में। तो ये हमारा बन गया पंचामृत, और इसमें मैं तुलसी पत्ते लेके आती हूँ जो मैं लेके यहाँ पूजा पर रखी हूँ, लेके आई थी उधर से गली से। तो ये पूजा में जरूरी होता है, तो ये है हमारे तुलसी के पत्ता। हमारा पंचामृत बन के रेडी हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ पंजीरी बनाने। तो उसमें भी वो ठंडा हो गया है, उसको मैंने फ्राई कर लिया है, और उसको एक इसमें निकालेंगे एक थाल में। तो
देते हैं जो हमारा दोनों प्रसाद रेडी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी गर्म है ये, थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो मैं इसमें शुगर डालूंगी, ये थोड़ा ये नॉर्मल हो जाए। और ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं चाहे नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें काजू किशमिश गरी एंड क्या बोलते हैं मखाना और डाला है। मेरा आधा के जी आटा था तो मैंने 250 ग्राम शुगर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा मैं रख लूँगी, देखते हैं नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने रखा है और इसको मिक्स कर देंगे। अभी और शुगर और ये हमारा दोनों प्रसाद पंचामृत और पंजीरी बन के तैयार। और मेरा नींद जैसे कि सुबह में पूजा 8:30 बजे से, तो मैं जल्दी उठ गई क्योंकि कुछ होता है तो मुझे नींद भी नहीं आती, पता नहीं लेट हो जाएगा ये, तो जल्दी मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं उठ गई थी और प्रसाद बना के रेडी मैंने कर लिया है। पंडित जी 8:30 बजे में भी आएंगे और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस हेयर वगैरह सही करना है और हमारा प्रसाद बन के तैयार हो गया है। अभी मैं बैक कैमरे से दोनों प्रसाद दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये देख सकते हो ये है हमारा प्रसाद बन के तैयार है, ये है पंचामृत और ये है पंजीरी, दोनों बन गया। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और आयरा को रेडी करूँगी। देखो आयरा भी रेडी हो गई हैं, अब हम लोग जा रहे हैं पूजा, मतलब अभी पंडित जी आए नहीं है, 8:30 होने वाला, तुरंत होगा पूजा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये देखो पूरा पूजा की तैयारी हो चुकी है, यहाँ सारा सामान मैंने रखा है और बस पूजा होगी। तो गाइज हमारा ये पूजा हो गया सत्यनारायण भगवान का, पूजा हो गया और ये देखो सब खत्म हो गया। और जो मैंने वीडियो बनाया था पूजा का वो उस वक्त रिकॉर्ड तो हो रहा था बट बाद में फेल हो गया, मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन पूजा हो गई सत्यनारायण भगवान की, करानी थी तो हो गई। और ये देखो आयरा यहाँ बैठ के चिप्स खा रही हैं। अब मैं जा रही हूँ कुछ अब बनाऊँगी खाने के लिए, भूख लग रही है तो कुछ बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मेरा अभी लंच बना है, अभी जाती हूँ करूँगी। अभी मैं एप्पल खा रही हूँ और आयरा सो गई हूँ। क्योंकि आज आयरा बहुत मॉर्निंग में उठ गई थी इसलिए अभी सो गई, थोड़ा लेट उठती हैं तो थोड़ा नहीं सोती हैं, शाम तक सोती हैं। और नींद मुझे भी आ रही है क्योंकि मैं भी बहुत सुबह उठी हूँ 4:30 में। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो हमारा आयरा रेडी हो चुके हैं, आज है बसंत पंचमी। कल का ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो आज ही एंड कर देते हैं। और बस अभी आयरा रेडी हो चुकी हैं, येलो आयरा ने पहना है टी शर्ट, अपना येलो दिखाओ, देखो ये देखो टी शर्ट येलो, और मैंने भी येलो पहना, आज बसंत पंचमी के दिन येलो पहनते हैं तो पहनते, लेकिन आज ठंड बहुत है इससे ज़्यादा। हाँ सेको हाँ सेको, तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं ब्लोअर के पास बैठे हैं, आज मॉर्निंग से धूप भी नहीं निकली है, बहुत ठंड है एक्सेस, मतलब कल से भी ज्यादा ठंड है, कल भी ठंड थी बट आज ज्यादा ठंड है। मेरे पापा ऑफिस, हाँ इनके पापा ऑफिस गए, पता नहीं मेरे पापा ऑफिस कहाँ गए पापा, ऑफिस हाँ। तो हाँ तो बस अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने, कुछ बनाते हैं। पापा दादी आयरा दादी क्या जाएगी? नहीं जाएगी, वो
बुआ बुआ के यहाँ जाएगी। तो बुआ के यहाँ भी तो मम्मी नहीं रहेगी, मम्मी पापा तो नहीं रहेगा बुआ के यहाँ, मम्मा भी नहीं रहेगी, अकेले कहीं नहीं जाएंगे। अभी इनके पापा कह रहे थे आयरा को दादी के यहाँ, आयरा जाएगी दादी के यहाँ, तो नहीं अकेले आयरा दादी के यहाँ नहीं जाएंगी, चिपक जा रही थी, नहीं मम्मा आयरा, नहीं मम्मा पापा, आयरा मम्मा पापा, आयरा कह रहे हैं आयरा बहुत बदमाशी कर रही है, दादी के यहाँ जाएगी, जाएगी दादी के यहाँ नहीं जाएगी, ठीक है चली जाना। बुआ बुआ वहाँ क्या करोगे जाके, बुआ क्या करूँ, हैप्पी बर्थडे। अच्छा उनका हैप्पी बर्थडे था, मोटकार। अच्छा कार के चक्कर में जाओगी बुआ क्या, ओ माय गॉड, तो भाई तो देगा नहीं, उसका कार है ना, भाई का कार है, हम तुम्हारे लिए कार खरीद देंगे बर्थडे पे। तो गाइज इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, वैसे कुछ है नहीं आज के ब्लॉग में, तो कल का ब्लॉग मतलब, और मैंने कल सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाया था घर पे, तो मतलब पूजा करवाया था तो कुछ मैंने वीडियो शूट किया था, बट क्या हुआ कि स्टोरेज फुल हो गया, मतलब डिलीट हो गई, मतलब फेल हो गया वीडियो, तो नहीं है हमारे पास, तो बस थोड़ा बहुत होगा 5 सेकंड का जो लास्ट में मैंने दिखाया था कि पूजा कंप्लीट हो गया है, तो वही। तो चलो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।